अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोले भाई मेरे बेवकूफ भाई कहाँ मर गया। सुनिए yes? मुझे खालिद से मिलना था, कहाँ मिलेंगे वो? खालिद जी? अच्छा वो पार्ट बॉय? जी जी जी। वो तो अभी बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने गया है। मेडिकल वेस्ट मतलब उसमें किसी का सैंपल वगैरह भी है? सैंपल मतलब उसमें खाली दवाओं के पत्ते होते हैं, खाली इंजेक्शन होते हैं, कुछ एक्सपायरी टैबलेट एंड सिरप होते हैं, टेस्ट के ब्लड एंड अदर सैंपल्स होते हैं, और पेशेंट के बच्चे पैदा करने के सैंपल होते हैं। आज के बाद ये नंबर डायल मत करना, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगा कि आप मुझसे कौन सा अपराध करवाने वाले थे। जिस सैंपल से आपको संतान का सुख मिलने वाला था वो सैंपल मैं फेंकने जा रहा हूं। मेहमानों का मजमा लगा हुआ है और तुम यहाँ क्या वक्त जाया कर रही हो? मैं अम्मी की याददाश्त वापस लाने की तैयारी कर रही हूँ। सुभान अल्लाह। अब ये भी बता दो कि आज के दिन ये नेक काम कैसे होगा? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पहले ये आप अपने निकाह वाले कपड़े पहन के जल्दी से तैयार हो जाइए। निकाह वाले कपड़े? ये क्या कह रही हो तुम दुआ, मैंने तुम्हारे लिए इतना बेहतरीन लिबास पहना है और तुम मुझे पुराना लिबास पहना रही हो। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे दोबारा से निकाह करने के लिए इतने उतावले हो रहे थे और आपको ये जोड़ा पुराना लिबास लग रहा है। नहीं मतलब, चुपचाप इसे पहनिए और तैयार हो जाइए। और ये समझ लीजिए आपका और मेरा निकाह दोबारा हो रहा है, आप दूल्हे राजा और मैं दुल्हन रानी। इधर असल में मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना उसके पीछे एक वजह है। आपको याद है ना डॉक्टर साहब ने अम्मी की याददाश्त से जुड़ी क्या बात बोली थी? उन्होंने कहा था कि हमें अम्मी को उनके खुशनुमा दिन याद दिलाने होंगे। उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। और अम्मी का सबसे बेहतरीन दिन वही था जिस दिन हमारा निकाह हुआ था। हम इस बार दोबारा निकाह करने का नाटक करेंगे। हो सकता है अम्मी की याददाश्त वापस आ जाए, मुझे पूरा यकीन है अम्मी की याददाश्त वापस आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना दुआ, तो हमेशा हमेशा के लिए गज़ब से हमें छुटकारा मिल जाएगा, हमारी जिंदगी से वो हमेशा के लिए निकल जाएगी। जी इधर, फिर अल्लाह ने चाहा ना तो उसका मनहूस साया हम पे कभी नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अगर वो सैंपल कचरे में चला गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगी।
खुदा नहीं चाहता तुम्हें मुझसे निजात मिले दुआ। मैं अब हैदर की जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाली। अब हैदर को औलाद का तोहफा मैं दूंगी। अपने लिए कोई आशियाना ढूंढ लो दुआ। मैंने तुम्हारी किस्मत में दर बदर की ठोकर लिखना शुरू कर दिया है। ये क्या बदतमीजी है? लाइए, मुझे दीजिए और निकल जाइए यहाँ से। भाई बोल के पहले चापलूसी की, फिर बेइज्जती कर दी। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ ना भाईजान। भाईजान मुझे सैंपल दे दीजिए। मुझे भाईजान भाईजान बोलने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बहने दी है। मुझे कोई शौक नहीं आपसे रिश्तेदारी निभाने का। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, मगर आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। सारे लोग सही कहते हैं, बड़े लोग दिल के छोटे होते हैं। नहीं 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 भाईजान, आप मुझे गलत समझ रहे। मैं वैसी नहीं हूँ भाईजान। भाईजान तो क्या है ना कि मेरे घर वाले मुझे बांझ होने के ताने देते रहते हैं, बस इसीलिए मैं इतनी परेशान हूँ। मैं आपको बता भी नहीं सकती। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, मैं क्या सोच रही थी कि मैंने आप पर गुस्सा कर दिया, अपने भाईजान पर गुस्सा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। कैसी माफी मैडम, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। ये नाटक बंद कीजिए और निकलिए यहाँ से, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। बिना वजह बेइज्जती होगी इसलिए बोल रहा हूँ, चली जाइए यहाँ से। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।